फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर। आई होप सो आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सभी भी एकदम खैरियत से हैं। तो आज है जुमा, तो आप सबको सबसे पहले जुमा मुबारक हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर है बहुत ज़्यादा वाली ठंडी और अभी बज रहे सुबह के 8:30 और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जो वेदर है कैसा है। आज आप देख सकते हैं कि एकदम पूरा फॉगी फॉगी है और बिल्कुल भी सूरज भी नहीं निकला है। और ये बंदर महाशय जो है वो सुबह से आकर इतना डिस्टर्ब किए हुए हैं कि बस हर तरफ खटपुट खटपुट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप इन लोगों को, और पूरा फॉगी फॉगी है हर तरफ, तो धूप एकदम भी नहीं निकली है और मौसम बहुत ज़्यादा वाला। तो देख रहे फ्रेंड्स, ये मेरे सर के ऊपर बैठ गया, मैं इतने से डर गई हूँ, इतना ये लोग हर जगह ही पे आकर बैठ जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ फटाफट ब्रश करने, और उसके बाद मैंने आज ट्यूशन भी रख दिया क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो चुकी है विंटर वेकेशन की, तो मैंने आज मॉर्निंग में ही ट्यूशन रख दिया है। तो फिर मैं अभी ब्रश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा फ्रेंड कि सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला, और आप देख सकते हैं कि एकदम शेडो है सूरज का और एकदम भी नहीं निकला है धूप। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरा कर्टन्स वगैरह सब चेंज कर लिया क्योंकि आज फ्राइडे है, और यहाँ पर मैंने अपना बेडशीट भी चेंज कर लिया। और उसके बाद मैं लेकर बैठी हूँ अपना पानी गर्मा गर्म, सुबह सुबह खजूर और एक खजूर के साथ गर्मा गर्म पानी, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके सेहत के लिए भी। तो अभी गर्मा गर्म पानी मैं पी लेती हूँ, और अभी बज रहे हैं 9, उसके बाद मैं फटाफट नाश्ता बनाकर खाऊँगी क्योंकि 10:30 बजे तक ट्यूशन रखा है मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अभी जो है वो धूप निकला हल्का हल्का, और अभी मैं अपना चाय के साथ एकदम मस्त वाला यहाँ पर धूप ले रही हूँ। तो आपको तो पता ही है कि ठंडी में जब कोहरा हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा धूप निकला है और ट्यूशन बच्चों का आने का भी टाइम हो रहा है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी जाकर नीचे मैट बिछा दे ताकि बच्चे आ जाए, मतलब आए तो उनको बिछाना ना पड़े। और इसके बाद आज तो फ्राइडे, आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा वाला काम हो जाता है फ्राइडे को, इसी वजह से कर्टन्स वगैरह मैंने सब सुबह ही उठा तो फटाफट इसको चेंज कर ली। और अभी जो है वो अभी लंच में भी क्या बनेगा मैं देखती हूँ अभी, तो मैं आप लोग से आगे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स घड़ी में बज चुके हैं 12:30 और बच्चे जा चुके हैं, तो मैं नहा धोकर भी एकदम रेडी, और आज जुमा है तो जुमा के दिन पे जो भी चीज़ पढ़ना था मैंने वो सब भी चीज़ें पढ़ ली। लेकिन सुबह से अचानक मैं उठी हूँ तो मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा वाला पेन हो रहा है, मेरा जो ये पाम है उसको यहाँ से मैं मोड़ नहीं पा रही हूँ, इस वाले हाथ में नहीं, इस वाले हाथ में। तो अभी मैंने इसमें जेल लगाकर क्रिप बैंड बांधा है ताकि मेरा थोड़ा सा राहत मिले, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, रात में कैसे सो जाओ पता नहीं चलता है और सुबह उठने के बाद इससे ज़्यादा पेन होने लगता है। तो अभी मैं इसमें लगा लूँ ताकि थोड़ा रिलीफ मुझे मिले, क्योंकि मुझे ये मेरा राइट हैंड है और इससे मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अभी मैंने किस तरीके से भी बच्चों को पढ़ाया, तो अभी मुझे घर का ट्यूशन तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और बाहर का ट्यूशन मुझे जाना है, तो अभी मैं खाना वाना खाने के बाद और जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद ही जाऊँगी। तो अभी जाती हूँ मैं, और इस सीज़न का जो सबसे फेवरेट फ्रूट है वो है गुआवा, मतलब कि अमरूद, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको कट करके उसमें नमक मिर्ची लगा कर खाने, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ देख सकते हैं आप, मैं लेके आ गई हूँ अपना अमरूद, और ये मिर्ची और नमक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो मैं अभी पहले इसको खा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई किचन में, और किचन में आते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आई थी, तो मैं सोची कि मम्मी आज क्या बना रही हैं। तो आज मम्मी बना रही हैं मटन एकदम मस्त वाला, तो आज मम्मी के हाथों का मटन खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर मम्मी ने चावल दाल बना दिया, और यहाँ पर मम्मी एकदम टेस्टी टेस्टी मटन बना रही है, तो अभी हम लोग इसको दोपहर में खाएँगे। तो फ्रेंड्स सब कुछ पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ट्यूशन आज जल्दी पढ़ा दिया जाए, तो मैं चली ट्यूशन बाहर का पढ़ाने, और मेरा खाने खाने का अभी बिल्कुल मूड नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि खाना मैं ट्यूशन से आने के बाद खाऊंगी। तो मैं अभी ट्यूशन पहुँच जाती हूँ क्योंकि फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, शाम में मुझे कुछ काम भी रहेगा तो मैं अपना कर सकती हूँ। तो मैं अभी ट्यूशन पहुँच के आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पर मैं वेद को पढ़ा रही हूँ, और वेद यहाँ पर डिक्टेशन कर रहा है, तो अभी इसको डिक्टेशन में करवा रही हूँ। तो इसको मैंने कल बोला था कि तुम घर पे रिवाइज कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को भी मैं बताती हूँ और इससे बहुत हेल्प मिलता है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनको मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है तो उनको घर पे आप एक बार रीडिंग करवाइए, उसके बाद आप डिक्टेशन करवाइए। तो डिक्टेशन करने से बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं। तो अभी इसको मैंने कल डिक्टेशन कल ये रीडिंग किया है, और आज इसको मैं डिक्टेशन करवा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेद का जो छोटा भाई इसे मैं पढ़ने की बताई हूँ, और इसका मुंह से देख सकते हैं अब कितना आंसू निकल रहा है। जल्दी पढ़ो, ए फॉर क्या होता है, बी फॉर,
सी फॉर तेज बोलो, डी फॉर, डी फॉर ये क्या है, डी फॉर क्या है ये, ई फॉर, एफ फॉर, जी फॉर, एच फॉर, आई फॉर, जे फॉर, तेज बोलो, के फॉर क्या, के फॉर तेज, एल फॉर। तो ये अभी इसका जो एज है वो है 2 years and 4 months, तो अभी ये 2.5 साल का भी नहीं हुआ है, बट ये इतना रोया है मेरे से पढ़ने के लिए फ्रेंड्स, इतना रोया है, लेकिन अभी सिर्फ इसको मेरा डर है तो इस वजह से बैठा है यहाँ पर। चलो बोलो, एक्स फॉर साइलो, वाई फॉर याक, और जेड फॉर ज़ेब्रा। वेरी गुड। तो अभी तुम डेली पढ़ोगे ना मैम से? हाँ। बोलो यस मैम। यस मैम। हाँ वेरी गुड। हम किसकी मैम है, किसकी मैम है हम? मीना मैम की। हाँ तुम्हारी मैम है ना? हाँ। वेरी गुड है। तो अभी हम भाई को पढ़ा लेते फिर तुमको पढ़ाएंगे, ओके? लव यू। मैं भी चले जाऊंगी। पहले बोलो लव यू टू। करो। तो फ्रेंड्स मैं अभी जस्ट ट्यूशन से आई हूँ और आने के बाद तुरंत ही मैं खाना खा के बैठी, क्योंकि मैं बिना खाना खाए गई थी। तो देखा आपने जैसा कि मेरा टाइम कैसे बीता था, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। उसके बाद भी अभी बज गए हैं 4 और अभी थोड़ा 1-2 बच्चियाँ हैं जो सुबह में नहीं आ पाई थी ट्यूशन, तो वो लोग आने वाली है, उनको पढ़ाना है। तो मेरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है मुझे बिल्कुल भी। तो अभी वो लोग आ रही हैं, मैं उन लोगों को पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से आगे मिलती हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 बच्चियां हैं जो ट्यूशन आने वाली थी, लेकिन उसमें से 1 ही बच्ची आई जिसको मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया। और अभी हो गई है जोरों की ठंडी और बहुत ही ज़्यादा वाली, मुझे बिल्कुल ब्लैंकेट्स निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी मम्मी चाय चढ़ाई है, मैं भी जाके जब चाय बन जाएगा तो मैं सबके लिए चाय निकालूंगी। और बहुत ही ज़्यादा ठंडी फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ पे कितना टेम्परेचर है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं लगता है कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मतलब जो भी है, आप प्लीज़ अपने कमेंट से हमें कुछ ना कुछ बताया कीजिए। तो अभी चाय पी के फिर हम लोग आपको दिखाते कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ अपना चाय और ब्रेड, और चाय और ब्रेड के साथ मुझे कॉम्बिनेशन, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ। तो ये है मलाई, मुझे चाय ब्रेड के साथ मलाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब इसको खाने के बाद हम लोग जाने वाले हैं कहाँ, मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अभी जा रहे हैं हम लोग जसीम भैया के यहाँ पे, क्योंकि एहान की तबीयत, आपको हम लोगों ने पहले भी ब्लॉग में दिखाया कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो अभी डिस्चार्ज होकर घर पे आ चुका है। लेकिन अभी छोटे वाला जो बेटा है उनका, सूफी, उसकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, तो हम लोग उससे भी जा रहे हैं मिलने। तो अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं, फिर उनके घर पर पहुँच के हम लोग आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं कहाँ आई, तो मैं आ गई है अपने फेवरेट भाभियों के पास, और यहाँ पर ये लोग कर रही है, आज ठंडे का दिन है, ठंडे के मौसम में चने का, सरसों का साग और मक्के की रोटी ना हो तो कैसे हो सकता, लेकिन यहाँ चने का साग है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसकी रेसिपी हमने आपको पहले भी ब्लॉग पे शेयर किया है। तो आज भाभी लोग चने का साग बना रही है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बैठ के, क्योंकि ठंडी के दिन में सबसे फेवरेट है। फ्रेंड्स इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो आपको हम लोग का ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज जो है लास्ट का वीडियो ये मेरे बच्चे बोलेंगे। चलो बोलो, जरूर करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में